आधुनिक दौर में टमाटर की खेती कर हमारे देश के किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार में 12 महीने इसकी आवक रहती है। ऐसे में किसानों के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगर सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो इससे लाखों का मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको टमाटर की खेती की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी की खोज करनी चाहिए, जिसका पीएच यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन 7 हो। एक और बात का ध्यान रहे कि जिस मिट्टी पर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं वो उत्तम जल निकास रहित होनी चाहिए, जैसे काली दोमट, चिकनी दोमट, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। इस पर आप बिना किसी समस्या के टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो किसी भी फसल की खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप टमाटर की खेती के लिहाज से मिट्टी तैयार करने की बात करें तो इसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको टमाटर की खेती के दौरान मिट्टी पर प्लाउ चलवाना होगा और 2 से 3 हफ्तों तक उस पर धूप लगवानी होगी। उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा करवाना होगा। साथ ही अगर टमाटर की खेती के लिहाज से तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास हो तो फसल खराब हो सकती है। लिहाजा टमाटर की खेती के दौरान तापमान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे कि तापमान में थोड़ा बहुत हेरफेर भी आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं बेसल डोज की। दरअसल बेड के अंदर दी जाने वाली खाद को बेसल डोज कहा जाता है। बेसल डोज में आप 2 बोरी DAP, 80 से 100 किलोग्राम 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर, 5 किलोग्राम दानेदार कीटनाशक और 3 से 4 ट्रोली पकी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। इसके बाद आप मिट्टी के ऊपर इन सभी सामग्रियों को फैला दें। इसके बाद आप पौध रोपाई के लिए 2 इंच का होल तैयार करें। होल तैयार करते समय आप ड्रिप का विशेष ध्यान रखें। होल करते समय ड्रिप लाइन को थोड़ा साइड कर लें। इसके बाद मल्चिंग पेपर पर टमाटर के लिए 2 इंच का होल कर लें। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद महज 22 से 25 दिनों के अंदर आपके टमाटर की स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस पूरी जानकारी के साथ आप बेहतर तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।